शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है, तुम्हें मनोहर को इस श्राप से मुक्त करवाना होगा, तभी रति से कामदेव का मिलन हो पाएगा। प्रभु हम क्यों, देवी रति तो स्वयं इतनी सक्षम है, जिनके विलाप मात्र से ही ये संसार सौंदर्य विहीन हो सकता है, तो फिर वो कामदेव को मिले श्राप को दूर क्यों नहीं कर सकती थी? देवी रति युगों से इसके लिए प्रयासरत है, पर पूतना ने देवों द्वारा निर्मित कामदेव के दिव्य शरीर को शुक्राचार्य की सहायता से भस्म कर दिया है। इसका अर्थ ये हुआ प्रभु कि कामदेव श्राप मुक्त भी हो जाए तो भी उनकी आत्मा कामलोक वापस नहीं लौट सकती। हाँ तुलसी, कामदेव का पुनः निर्माण करने देवी रति कामरूप पर्वत पर गई थी, पर अब महाकर्ण के कारण वहां उनका जीवन भी संकट में पड़ गया है। देवी रति, तुम्हें केवल इस संसार की चिंता है, मेरी या मेरे प्रेम की तनिक भी चिंता नहीं, जिसको पूर्ण होने की प्रतीक्षा मैं युगों युगों से कर रहा हूं। पहले मुझे स्मरण नहीं था कि मैं इस कलश की रक्षा क्यों कर रहा हूं, परंतु तुम्हारे आने के पश्चात मुझे यह स्मरण हो गया कि केवल तुम्हें पुनः प्राप्त करने के लिए मैं इस कलश की रक्षा कर रहा हूं। कहना क्या चाहते हो तुम? रति, समय के साथ मैं स्वयं को भूल चुका था, परंतु आरंभ में ही मुझे आभास हो गया था कि भले ही तुम मेरे लिए या ना आओ, किंतु इस कलश को लेने के लिए यहां तुम अवश्य आओगी, तो तब लूंगा मैं तुमसे अपना प्रतिशोध। महागण, समय बीत चुका है, युग बीत चुके हैं, तो अब तुम भी अपनी युगों पुरानी शत्रुता भूल जाओ और मुझे जाने दो यहां से, इसी में तुम्हारा हित है और समस्त संसार का हित है। जाने दो? इतनी आसानी से इस स्वर्णिम अवसर को अपने इन हाथों से जाने दूं? जिस क्षण के लिए मैंने इतने युगों से प्रतीक्षा की, जिस क्षण के लिए मैंने इतनी यातनाएं सही, इतने कष्ट सही, उसे ऐसे ही जाने दूं? नहीं देवी रति, कभी नहीं। चाहते क्या हो तुम? वही जो मैं सतयुग में चाहता था, वही जिसके लिए मुझे इतने युगों तक एक शापित जीवन जीना पड़ा। अर्थात? अर्थात यदि तुम ये कलश ले जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी उसी इच्छा, उसी युगों पुरानी कामना को पूर्ण करना होगा, इस महागण के साथ विवाह करना होगा। यदि तुम कामदेव को जीवित करना चाहती हो तो हे कामदेव की पत्नी, तो सौंदर्य, सुख और वैभव की देवी रति, तुम्हें इस महागण की पत्नी बनना होगा। प्रभु, कौन है ये महागण जो देवी रति से बलपूर्वक विवाह करना चाहता है? महागण महादेव के रुद्र रूप है, इस रूप का जन्म रति और कामदेव की रक्षा के लिए हुआ था। पर प्रभु, देवी रति और कामदेव तो स्वयं देव रूप है, फिर उनकी रक्षा की क्या आवश्यकता? आवश्यकता थी तुलसी, क्योंकि देवी रति और कामदेव इस संसार में सुख, समृद्धि, प्रसन्नता और कामनाओं के देवता है। यदि रति और कामदेव इस संसार में ना हो तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दुख में डूब जाए। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने जीवन में अवसाद में जाते हैं, उनपे से रति कामदेव की कृपा समाप्त हो जाती है। हाँ तुलसी, इसलिए कुछ लोगों के पास जीवन के सारे साधन होते हैं, धन, धान्य, पुत्र, मित्र, सब प्रकार से
उनका जीवन पूर्ण होता है, पर उनके जीवन में प्रसन्नता नहीं होती। प्रभु, देवी रती और कामदेव हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। केवल इतना ही नहीं तुलसी, अपितु रति और कामदेव के कारण संसार में ऋतुएं आती हैं, इसलिए इन्हें वसंत का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि वसंत से हमारे जीवन में आनंद और उत्सव का आगमन होता है। तो क्या प्रभु इसी कारण वसंत पंचमी के दिन वसंत उत्सव मनाते हैं, जिसे लोग मदनोत्सव भी कहते हैं? हाँ तुलसी, क्योंकि वसंत पंचमी के शुभ दिन से ही रति और कामदेव अपने कामलोक में अपना नृत्य आरंभ करते थे, जिससे संसार में आनंद, प्रेम और प्रसन्नता का संचार होता था। विरति और कामदेव के नेत्र से संसार में जीवन खिल उठता था। वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते, मनुष्यों के हृदय में प्रेम अंकुरित हो उठता और प्रेम से ही भक्ति का संचार होता है। भक्ति से ही शक्ति मिलती है देवों को। प्रभु, आज देवी रति और कामदेव के जीवन के विषय में जानकर प्रथम बार ये आभास हो रहा है कि जैसे हम भक्ति को सही अर्थों में समझ पा रहे हैं। पर प्रभु, हम अभी भी पूर्णतः ये नहीं समझे कि देवी रति और कामदेव को रक्षा की आवश्यकता क्यों थी। क्योंकि देव और भक्ति के सबसे बड़े शत्रु थे असुर गुरु शुक्राचार्य। वे संसार से देवों के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए सदैव कोई ना कोई अधर्म रचते थे, और उस बार संसार से देवों के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपना साधन बनाया रति और कामदेव को। सुनो, यही वो कामदेव और रति जिनके कारण स्वर्गलोक का वैभव है और पृथ्वी पर प्रेम और आनंद का उत्सव है। ना केवल मनुष्यों का प्रेम अपितु मनुष्यों का ईश्वर के लिए प्रेम का कारण भी यही दोनों कामदेव और रति है। इसलिए जब तक ये दोनों संसार में जीवित हैं, तब तक इस संसार से देवताओं का साम्राज्य समाप्त नहीं होगा और ना ही असुरों का साम्राज्य स्थापित हो पाएगा। इसलिए चाहो अंत कर दो कामदेव और रति का और मिटा दो उनका अस्तित्व संसार से। जो आज्ञा गुरुदेव। Oh!
असुरों, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? तुम देवराज इंद्र के शत्रु हो सकते हो, उनसे शत्रुता हो सकती है, परंतु प्रेम और आनंद से शत्रुता कैसी? रामदेव, प्रेम ही तो हमारा शत्रु है। प्रेम ही मनुष्यों को देवताओं से मिलाता है। प्रेम ही देवताओं को शक्ति प्राप्त कराता है। इसलिए आज मैं इस संसार में प्रेम का संचार करने वाले कामदेव को सदैव सदैव के लिए समाप्त कर दूंगा। परंतु असुर गुरु, बिना प्रेम के इस संसार का क्या अस्तित्व? हाँ असुर गुरु, यदि श्रृंगार ही समाप्त हो जाएगा तो संसार भी समाप्त हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ, देवताओं का संसार समाप्त हो जाए ताकि आरंभ हो एक नए युग का, नए संसार का। और असुरों के साम्राज्य का। असुर गुरु, आप ये उचित नहीं कर रहे। रामदेव, भूल तो मैं पहले कर रहा था, मैं देवताओं की शक्ति को नष्ट करना चाहता था, जबकि देवताओं की शक्ति का मूल तुम हो। इसलिए अब मैं समाप्त कर दूंगा देवताओं के अस्तित्व को इस संसार से। असुरों, देख जा रहे हो, अंत कर दो देवताओं की इस मूल शक्ति का और नष्ट कर दो कामदेव रति को। आज तक अब ऐसा करने में कभी सफल नहीं हुए, और ना ही आज मैं ऐसे करने में आपको सफल होने दूंगा। अंत कर दो कामदेव रति का। अरे उठो असुरो, अंत कर दो कामदेव और रति का। देवी, हम इन असुरों का सामना अकेले नहीं कर सकते, हमें यहां से शीघ्र जाना होगा, अथवा ये असुर अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। शीघ्र शीघ्र चलो यहां से। भागरथी, अरे उठो असुरो, पीछा करो उनका, जीवित बचकर जाने ना पाए। देवी, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा ताकि ये असुर हम तक पहुंच ना सके। शीघ्र चलो। असुरो, कहां गए ये लोग? गुरुदेव, ना जाने कहां अदृश्य हो गए कामदेव और रति। चाहे दोनों जहां भी चले जाएं, किंतु एक बात तो निश्चित है, प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव पुनः काम लोग कभी नहीं आएंगे, और अब कभी नहीं होगा। इस संसार में उनका आनंद उत्साह। देवताओं, मैंने इस संसार से वसंत उत्सव को खंडित कर दिया है। अब इस संसार में ना आएगा वसंत, और ना ही बदलेगी ऋतुएं, और ना ही होगा किसी के मन में प्रेम और आनंद। अब इस संसार में होगा केवल दुख, पीड़ा और दर्द। इसका अर्थ यह है कि अब इस संसार से देवताओं का साम्राज्य का अंत होना और असुरों के साम्राज्य का आरंभ। तुलसी, उस वर्ष पृथ्वी पर वसंत ऋतु नहीं आई, वन सूख गए,
धरती अकालग्रस्त हो गई और भूमि के अंदर से भी अग्नि की लपटें उठने लगी। लोगों के हृदय का प्रेम और आनंद मृतप्राय हो गया। संसार से भक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि इन सब के वाहक रति और कामदेव ही संसार में नहीं थे। प्रभु, फिर तो ना केवल मनुष्यों के लिए अभी तो सभी देवताओं के सम्मुख भी बहुत बड़ी विपदा उपस्थित हो गई होगी। हाँ तुलसी, किसी को ज्ञात नहीं था कि रति और कामदेव कहाँ है। इसलिए देवों की प्रार्थना पर स्वयं महादेव ने कामदेव और देवी रति का स्मरण किया। हे देवी रति, कामदेव, ऋतुओं का संचालन आप दोनों का उत्तरदायित्व है, किंतु ये संसार वसन से वंचित है, अकालग्रस्त, नदियां सूख गई हैं, वन उपवन निर्जन हो गए हैं, संसार में हर्ष और आनंद समाप्त हो चुका है, मनुष्य और देवत्व संकट में, क्यों कामदेव? क्षमा प्रभु, किंतु जब वसन के देवता ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वसन कैसे आएगा? जब सुहाग और सौंदर्य की देवी का जीवन ही संकट में होगा तो संसार में आनंद और मंगल कैसे हो सकता है प्रभु? आप कहना क्या चाहती हैं देवी? प्रभु, हम जब भी वसंत उत्सव मनाते हैं, हम जब भी अपना अपना श्रृंगार नृत्य आरंभ करते हैं, असुर हम पे आक्रमण कर देते हैं प्रभु। ये तो अत्यंत विकट समस्या है। तुलसी, उन असुरों में से कई असुर ऐसे भी थे जिनका सामना देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते थे। इसलिए महादेव ने अपने तांडव से एक ऐसे गण की उत्पत्ति की जो सर्वशक्तिशाली हो और हर असुर को पराजित करने में सक्षम हो। महागण, प्रणाम महादेव। महादेव, बताइए मुझे कि आपने मुझे क्यों जन्म दिया है, किसका वध करना है मुझे? महादेव, कौन है वो जिसके कारण आपको तांडव करना पड़ा? क्योंकि आपका यह महागण संपूर्ण सृष्टि का नाश करने में सक्षम है। बताइए मुझे महादेव, किसका नाश करना है मुझे? महागण, तुम्हें विनाश नहीं अपितु रक्षा करनी, इस सृष्टि के सुख और आनंद, प्रेम और सौंदर्य के देव देवी रति और कामदेव की रक्षा करनी होगी तुम्हें।
और जो भी इनके लिए संकट बने उसका विनाश करना है तुम्हें। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। रक्षा, क्या संकट छाया है इन पे महादेव? कौन है वो जो देवी रति और कामदेव का अहित चाहता है? महागण, ये समृद्धि, प्रेम और सौंदर्य के देव हैं और असुर उन्हीं के शत्रु होते हैं। इसीलिए वो देवी रति और कामदेव का अहित करना चाहते हैं, उन्हें अपने अधीन करना चाहते हैं। इसलिए अब तुम्हें समस्त असुरों से इनकी रक्षा करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा संसार में कोई भी असुर किसी भी स्थिति में इनके निकट ना पहुंचे। आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है महादेव। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं हर क्षण देवी रति और कामदेव की सुरक्षा करूंगा और जो कोई भी इनका अहित करने का प्रयास करेगा मैं उसके प्राण हर लूंगा, अंत कर दूंगा उसका। देवी रति, कामदेव, महागण मेरे ही रौद्र रूप है, मेरी ही शक्तियों से इनका जन्म हुआ है। संसार की कोई भी शक्ति इन्हें कभी भी पराजित नहीं कर सकती। ये अजर अमर है, अविजित है और मोहमाया, काम वासना इन्हें कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए आप दोनों पूर्णता सुरक्षित है। हे महागण, आपने हमारी रक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं पर लिया, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। और उस दिन के पश्चात महागण, कामदेव और देवी रति की रक्षा करने लगे। संसार के सौंदर्य और श्रृंगार की रक्षा में अब स्वयं महादेव के गण महागण थे। इसलिए जब कभी भी असुरों ने उनके काम नृत्य को, वसंत उत्सव को खंडित करने का प्रयास किया, महागण ने अपनी शक्तियों से उनका अंत कर दिया। इसका अर्थ है प्रभु कि अब संसार का प्रेम, आनंद, उत्सव सुरक्षित था। हाँ तुलसी, और उस दिन के पश्चात ना संसार में अकाल पड़ा और ना ही देवों को मनुष्यों के सुख समृद्धि की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ी और ना ही कामदेव और देवी रति के मदन उत्सव में कोई बाधा आई, क्योंकि अब उनकी रक्षा में स्वयं महागण थी। महागण देवी रति के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनके हृदय में देवी रति को पाने की कामना जागृत हो गई और धीरे धीरे महागण अपनी कामना के इतने अधीन हो गए कि वो अपना उद्देश्य भूल गए। देवी रति, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।